अब करतारी देवी की पार्थिव देह मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के काम आएगी। धर्मनगरी की वशिष्ठ कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय करतारी देवी का सोमवार देर रात निधन हो गया। करतारी देवी ने जीते जी मरणोपरांत शरीर दान करने के लिए फार्म भरा हुआ था। करतारी देवी की इच्छा को पूरी करते हुए परिजनों ने करतारी देवी का पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज में रिसर्च हेतु दान किया। करतारी देवी के पुत्र प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि करतारी देवी की मृत्यु के बाद उन्होंने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में संपर्क किया तो सिरसा से पहुंची एम्बुलेंस के जरिए उनके शरीर को उत्तर प्रदेश के पिलखुआ के जीएम आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल में भेजा गया। मंगलवार दोपहर को परिजनों, रिश्तेदार और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने करतारी देवी को अंतिम विदाई दी। इस दौरान एम्बुलेंस को फूलों से सजाया गया। अंतिम विदाई देते समय करतारी देवी अमर रहे के नारे लगाए गए। माता करतारी देवी वाइफ ऑफ प्यारे लाल, जिन्होंने जिनकी मृत्यु हो गई है, तो मरने के बाद उन्होंने अपना जो शरीर है वो मेडिकल रिसर्च के लिए जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ पिलखुआ में डोनेट किया है जी। तो उसके लिए ये डेरा सच्चा सौदा के सेवादार उनकी अंतिम यात्रा में आज शामिल हुए हैं।